नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नर्मदापुरम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व एवं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के आह्वान पर नर्मदापुरम के भाजपा जिलाध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपक महलहा के नेतृत्व में विशाल वाहन रैली निकाली गयी। जिला आईटी सेल प्रभारी अंकित सानी ने बताया कि मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के अंतर्गत विकास तीर्थ वाहन रैली के आयोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। इस रैली में सुंदरम अग्रवाल, शिवम शर्मा, मनीष परदेसी, राजेंद्र उपाध्याय, सूर्य पालीवाल, रुपेश राजपूत आदि कार्यकर्ता पदाधिकारीगण उपस्थित थे। भैया, किस प्रकार का आयोजन हुआ आज? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला नर्मदापुरम ने हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली जो भाजपा सरकार है केंद्र की, उसके सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पूर्ण हुए। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश भर में विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन कर रहा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज नर्मदापुरम ने युवा मोर्चा के सभी साथियों के साथ मिलकर के इस रैली का आयोजन किया, जो कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आईटीआई से प्रारंभ होकर के ये हमारे नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका हमने समापन किया है। ऐसी इन सभी योजनाओं के माध्यम से, जो कि माननीय मोदी जी की योजनाओं योजनाओं के माध्यम से जो भी निर्माण कार्य शहर में हुए, हमने कोशिश की है कि हम उन अधिकांश निर्माण कार्यों तक पहुँचे और उनको इस रूट पर समाहित करते हुए आज हमने ये राष्ट्रीय राजमार्ग, जो एक बहुत बड़ी सौगात हमारे जिले को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से मिली है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमने इस रैली का समापन किया है। इस रैली में हमारे तमाम युवा साथी जिले भर से इसमें सम्मिलित हुए हैं। हम उन सभी साथियों का भी आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इस आयोजन के माध्यम से पुनः मोदी जी को उनके नेतृत्व में ये जो सेवा चल रही है देश की जनता की, वो सेवा कर रहे हैं और सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः हम सभी युवा मोर्चा के साथी नर्मदापुरम की ओर से हार्दिक बधाई ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। नर्मदापुरम से खबर समय जगत के लिए प्रदीप नागर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।